हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके किसी दोस्त ने आपका फ़ोन मांगा और आप उसको अपना फ़ोन नहीं देना चाहते क्योंकि इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है और आपको वो फ़ोन देना भी है क्योंकि उसको एक कॉल करनी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके फ़ोन में एक ऐसा सीक्रेट फीचर होता है जिसको यूज़ करके आप अपने दोस्त को फ़ोन भी दे पाओगे और वो उस फ़ोन में कुछ चेक भी नहीं कर पाएगा। तो आपको पता है कि आपके फ़ोन का वो सीक्रेट फीचर क्या है? नहीं पता? मैं आपको बताता हूँ क्या वो सीक्रेट फीचर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आपको जाना है मोर सेटिंग्स। मोर सेटिंग्स के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन पिनिंग। यहाँ तक आने के लिए अगर आपको फ़ोन में कुछ डिफ़िकल्टी आती है तो आप सेटिंग्स में जाके यहाँ पे सर्च में भी जा सकते हैं और यहाँ पे आप स्क्रीन स्क्रीन पिनिंग लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ये सीधा आपको स्क्रीन पिनिंग स्क्रीन पे ले आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन पिनिंग में जाना है। यहाँ से ये ऑप्शन को ऑन करना है। अब ये ऑप्शन ऑन करने से पहले आपसे एक इन्फॉर्मेशन देगा कि आपका ये जो स्क्रीन पिनिंग है ये आपको ऑफ करने के लिए कोड डालना ही पड़ेगा। पासवर्ड रिक्वेस्ट अनलॉकिंग बिफोर अनपिनिंग स्क्रीन, इसको आपने हमेशा यस करके रखना है। और अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब होगा क्या कि आपको रीसेंट वाली अगर आपने किसी को कैलकुलेटर देना है चलाने के लिए तो आपने सिंपल कैलकुलेटर खोलना है। ये मैं कैलकुलेटर में चला गया। अब मैं रीसेंट स्क्रीन पे जाऊंगा। रीसेंट स्क्रीन पे आपको ये कॉर्नर पे एक आइकन दिखेगा, आपने इसको टिक कर देना है। अब ये आपका स्क्रीन पिन हो गया। अब आप किसी भी स्क्रीन पे नहीं जा सकते, ना तो आप इसके पे जाएंगे ना वापस जाएंगे, आप कहीं भी नहीं जा सकते। अब आपको सिर्फ कैलकुलेटर यूज़ करने देगा ये। और अगर आपको वापस स्क्रीन पिनिंग ऑफ करनी है तो आपको यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करना है, लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप होम स्क्रीन पे आ जाओगे। फिर आपको कोड डालना है और आपका ये फ़ोन नॉर्मल मोड में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बाय बाय।